उत्तर प्रदेश का जिला बरेली मंगलवार की रात एक भीषण हादसे से हिल गया था। सीबीगंज थाना क्षेत्र के मथुरापुर इलाके में एक बेकाबू ट्रक ने अल्टो कार में टक्कर मार दी। हादसे में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। बता दें, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि रात में गाड़ी को काट कर शवों को बाहर निकालना पड़ा। पहले मरने वालों में 20 वर्षीय ताजीम, 23 साल के कामरान और 22 वर्ष सोनू उर्फ अदनान शामिल थे और 20 वर्ष जुनेद की हालत नाजुक बताई जा रही थी। एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जुनेद की इलाज के दौरान मौत हो गई। पहले 3 लोगों ने दम तोड़ा था, अब चौथे दोस्त ने भी दम तोड़ दिया है। देर रात हुए इस हादसे से बरेली एक बार फिर दहल गया। बता दें, बरेली के शाही थाना क्षेत्र के चारों दोस्त कामरान का जन्मदिन मनाने के लिए मंगलवार की रात गाड़ी से घूमने निकले थे, जहां मथुरापुर में एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने इनकी अल्टो कार में टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि कार के परकच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर फौरन ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस बीच हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया था। भारी भीड़ के बीच पुलिस ने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से उसमें फंसे हुए थे कि बाद में गाड़ी काट कर उन्हें बाहर निकाला गया। पुलिस चारों को लेकर अस्पताल पहुंची। एसपी सिटी राहुल भाटी के मुताबिक, जहां डॉक्टरों ने 3 युवकों को मंगलवार की रात को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल जुनेद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन अब खबर यह है कि इस हादसे में जुनेद ने भी दम तोड़ दिया है। चारों दोस्त शाही कस्बे के मोहल्ला नूरी नगर के रहने वाले हैं। बरेली में जहां मंगलवार की रात ही एक्सीडेंट हुआ, उसी क्षेत्र में पहले भी सड़क हादसे होते रहे हैं और अब एक बार फिर दुर्घटना सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ जवान बच्चों को खोकर माता पिता बदहवस हैं और उनके घर वाले बिलख रहे हैं। बरेली से एक और खबर आ रही है। देर रात बरेली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार लकड़ी भरा ट्रक घुस गया। ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे हादसे में कार की टक्कर से बाइक सवार की जान चली गई। पुलिस ने शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, थाना भोजीपुरा के क्षेत्र गांव जादवपुर निवासी अच्छन मियां पुत्र बच्छन मियां की शनिवार सुबह ट्रक की टक्कर से मौत हो गई।